नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। पिछले कुछ सालों में भारत टेस्ट में एक बेहद मजबूत टीम उभर कर सामने आई है। जिस तरह से भारत ने विदेशों में जाकर कड़ी टक्कर दी है वो काफ़ी शानदार रहा है। हो ना हो इसका श्रेय कप्तान विराट कोहली को जाता है, जिन्होंने विदेशी सरजमी पर भारत को लड़ना सिखाया है और उनकी कप्तानी में भारत ने विदेशों में कई टेस्ट मैच भी जीते हैं। उनका रुतबा सबसे ज़्यादा तब बढ़ा जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार उनकी धरती पर टेस्ट सीरीज में हराया था। उनके इसी खेल और बर्ताव से कई महान खिलाड़ी उनसे प्रभावित हुए हैं, जिनमें से एक नाम है वेस्टइंडीज़ के महान बल्लेबाज विव रिचर्ड्स का। अब ऐसे ही एक और महान खिलाड़ी हैं जो विराट कोहली की कप्तानी और जुझारू रवैये के कायल हो गए हैं, और वो खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड ने यूट्यूब चैनल में विराट कोहली की बात करते हुए कहा कि कोहली ने 2015 में भारत के प्रभुत्व की कल्पना की थी। डोनाल्ड ने कहा, मुझे 2015 में विराट के शब्द याद हैं जब उन्होंने मुझसे कहा था कि भारत दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम बन जाएगी, और वो गलत नहीं थे। डोनाल्ड का मानना है कि कोहली ने टेस्ट में जो किया उसके बाद वो वास्तविक सम्मान के हकदार हैं। ये फॉर्मेट मुश्किल है, यहाँ शॉर्टकट नहीं है, और यहीं पर कोहली और शास्त्री की जोड़ी ने बहुत मेहनत और पैशन दिखाया है। आपको बता दें कि साल 2014 में धोनी के रिटायरमेंट के बाद भारतीय टेस्ट क्रिकेट की कमान कोहली के हाथों में सौंपी गई थी, जिसके बाद से ही भारतीय टेस्ट टीम में गजब का बदलाव देखा जा सकता है। फिलहाल भारतीय टीम इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेल रही है और 1-0 की बढ़त के साथ इस सीरीज में आगे है। अब उन्हें अगला टेस्ट 25 अगस्त को लीड्स के मैदान पर खेलना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।